लोगों का पेट भूखा रहे ऐसे प्रवक्ता सभा के मैंने देखे नहीं। आप मेरी बात सुन लीजिए, बेशर्मों की तरह बिजली फ्री और पानी फ्री, बस का टिकट फ्री करके निकम्मा नहीं बना रहे, लेकिन किसी भूखे के पेट में निवाला न चला जाए, ये दर्द है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को। हमने तो बोला ना, बिल्कुल समाजवादी सरकार थी तो कोटे के दुकान पे समाजवादी लाल टोपी लगा के लाठी लेके खड़ा रहता था। ओके, एक सेकंड मिश्रा जी प्लीज, एक आप मेरा व्यक्तिगत उस देश को आप निकम्मा नकारा करना चाहते हैं कि खाद्यान्न बिल्कुल फ्री कर दीजिए, फिर आप कुछ मत करिए, क्योंकि खाना तो सरकार दे ही रही है। बिजली फ्री लेंगे, पानी फ्री लेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दवाई मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। मैं तर्क का प्रवक्ता हूँ सर, मैं बीजेपी कांग्रेस का नहीं हूँ। अखिलेश मिश्रा जो कि एके मिश्रा साहब है, बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, राजनीतिक विशेषक और राजनीतिक पंडित के रूप में इन्हें जाना जाता है बहुत। लेकिन एके मिश्रा देर से आया, उसके लिए माफी, लेकिन जो ये राजनीतिक बहस छिड़ी है, आपको लगता है कि इस राजनीतिक बहस में कुछ दम है? जहां एक तरफ भारत की बात की जा रही है, एक अमीरों का एक गरीबों का है, तो हर बार कहा जाता था बिल्कुल दम है। देखिए, इस देश की दुर्दशा ऐसी ही रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश को परिभाषित करते हैं और इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आप इतिहास देखिए, इस देश का ओरिजिनल नाम कल्चर भारतवर्ष, आर्यखंड या आर्यावर्त रहा है। मुगलों ने इसको हिंदुस्तान बना दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अंग्रेज आए, उन्होंने इंडिया बना दिया। तो इनफैक्ट ये जो है अमीरी गरीबी का फंडा, ये मुगलों अमीरों इन सबसे चला आ रहा है। रही बात अभी जो राहुल गांधी जी ने ये बोला है, मैं बोलता हूँ हर कालखंड में अमीरी गरीबी और बहुत सारे डिफरेंशिएशंस रहे हैं। ये मुद्दा जरूर हो सकता है कि गरीबी बढ़ गई है या बेरोजगारी बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है, नहीं बढ़ी है, उसका जवाब आप भाजपा के प्रवक्ता से लीजिएगा। लेकिन हर कालखंड में कुछ न कुछ सामाजिक दायरा रहा है, दूरियां रही है। आप ही का इसमें एक स्टेटमेंट है, मैं दो तीन चीजें बोलूंगा जो अभी हमारे प्रवक्ताओं ने बोला, जैसे कि एक घंटे अगर किसी को काम मिल जाए तो सरकार उसको बेरोजगार नहीं मानती है। अब इसको ऐसा देखिए, एक घंटे में कोई करोड़ों आदमी कमा रहा है, कोई साल भर भी मेहनत करके नहीं कमा पा रहा है। ये सीधे सीधे स्किल से रिलेटेड होता है, और एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो भाग्य की बात है, जो कि इस डिबेट का विषय नहीं है। स्किल को डेवलप करने के लिए हर आदमी एक घंटे में एक करोड़ कमाए, सरकार ने स्किल डेवलपमेंट योजना शुरू की, सक्सेस हुआ फेल हुआ वो एक अलग मुद्दा का विषय है, भाजपा से आप शुरू करिएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी को मैं अगर ये मान भी लूं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, हर देश में कमियां होती हैं, आपको क्या लगता है अमेरिका में पॉवर्टी नहीं है क्या? कौन से देश में गरीबी नहीं है? ठीक है, वहां पे गरीबी रेखा का जो नामांकन है वो उसका स्तर कुछ ऊंचा होगा कि इतने डॉलर जो कमाता होगा उसके ऊपर अमीर है, उसके नीचे गरीब है। यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है। इंदिरा गांधी ने भी गरीबी भगाओ का नारा दिया था, आज तक भगा नहीं पाई, न कांग्रेस न बीजेपी। खाना देने की बात जो हो रही है, राशन देने की बात हो रही है, तो वो बुरा नहीं है। मैं चाहता हूँ भारत के खाद्यान्न भंडार अतुलनीय रूप से भरे हैं, अमीर हो गरीब हो, अन्न की कीमत सबके लिए बराबर होती है, और सरकारी राशन के कोटे से अन्न लेने में किसी को हर्जा, दुकानों पे भी जो अन्न आता है वो भी तो एफसीआई के ही गोडाउन से आता है ना, सरकार के गोडाउन से ही निकल करके खुदरा मार्केट में आता है ना, तो वहां शर्म नहीं आएगी लेने में। तो अन्न को देवता की तरह माना जाए, न कि वो सरकारी, न वो कोटे से आया हो चाहे प्राइवेट दुकान से आया हो, अन्न के भंडार भरे पड़े हैं। मैं तो बीजेपी वालों को ये बोलूंगा, अमीर गरीब हर आदमी को आप ये गारंटी दीजिए कि भाई अब आपको अनाज खरीदने की जरूरत नहीं है, इतना प्रोडक्शन है कि हम हर आदमी को, हर परिवार को खाद्यान्न फ्री में देंगे, कम से कम रोटी तो फ्री में मिले, एक गारंटी दे दो किसानों को भी काफी है। अखिलेश भाई, केवल किसान की बात नहीं, अन्न की बात की जाए, सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये चीज होना चाहिए कि भाई अनाज इस देश में फ्री है, अनाज फ्री है। ओके ओके, आप सुधा जी अपनी बात रखना चाहिए, फिर मैं आंकड़ों पर आऊंगा जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ। एके मिश्रा कह रहे हैं अगर देश गर्त में गया तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस भी है। बिल्कुल नहीं है, ये तो बस कहते हैं, इन्होंने भी कहा ना कि खाद्यान्न फ्री कर दीजिए, मतलब ये बेकारी को बढ़ा
दें, बेरोजगारी बढ़ा दें, व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा है, खाना तो मिल ही रहा है, क्यों काम करेगा कोई? नहीं, जो सटीक चीजों जो युवाओं को बढ़ाने की बात हो, खाद्यान्न का उत्पादन, खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाइए, खाद्यान्न को फ्री मत करिए, खाद्यान्न किसान के सबके पास इतनी हमारे देश में हम निर्यात कर सकते, हम निर्यात कर सकते खाद्यान्न का परचेज गवर्नमेंट कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है। बिजली फ्री तो बिजली फ्री लेने में शर्म नहीं है, पानी फ्री तो पानी फ्री लेने में शर्म नहीं है, अनाज जो देवता का इतना सम्मान मैंने कभी नहीं सुना, मेरा व्यक्तिगत एक मिश्रा जी प्लीज एक मिनट। आप सबको रोजगार दे दीजिए, फ्री में अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। बिल्कुल, आप सबको रोजगार दे दीजिए, फ्री में अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हाँ सर ब्रेक लेना पड़ रहा है, बिजली भी खरीदते हैं। भारत जिसके जिक्र हम कर रहे हैं और सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ, आज चर्चा इसी पर हो रही है। सवाल कई जो एके मिश्रा ने ब्रेक से पहले उठाया, जिसको लेकर नाराजगी शिल्पी जी ने भी जताई और सुधा जी ने, पहले आपने अपनी बात रखी है, फिर उसके बाद मैं कुछ आंकड़ों के साथ बात करने वाला हूं अश्वनी जी से। पहले शिल्पी जी अपनी बात रखिए, जो बात एके मिश्रा जी ने कही। मैडम अनम्यूट कर लीजिए। मिश्रा जी ने जो कहा कि सबको मुफ्त का खाना दीजिए, सबको मुफ्त का खाना दीजिए, खाद्यान्न फ्री कर दीजिए, बाकी कुछ करिए ना करिए, तो बिल्कुल मैं शुभ्रा जी की बात से सहमत हूँ। आप फ्री खाना देकर क्या करना चाह रहे हैं? खाना मिल जाएगा। इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सिर्फ दारू चाहिए, जो शाम ढलते ही दारू पी लेते हैं। और देखिए, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले दारू की दुकानें खुलवाई थी, शराब की दुकानें सबसे पहले खुली, मेडिकल स्टोर बंद रहे, स्कूल बंद रहे, लेकिन मेडिकल दारू की दुकानें सबसे पहले खुली। उस देश में अगर आदमी कहीं से भी मार पीट करके घर से बाहर भेजा जाता है कि जाओ दो रोटी कमाओ, उस देश को आप निकम्मा नकारा करना चाहते हैं कि खाद्यान्न बिल्कुल फ्री कर दीजिए, फिर आप कुछ मत करिए, क्योंकि खाना तो सरकार दे ही रही है, आप रोजगार क्यों नहीं देते हैं? आप रोजगार फ्री करिए, रोजगार दीजिए, लोग मेहनत करें, पैसा कमाएं, और जितना उनको 10 रुपए किलो गेहूं कमाना है, खरीदना है, या 100 रुपए किलो गेहूं खरीदना है, वो खरीदें। डॉक्टर सुधा जी, बात राहुल गांधी कह रहे हैं वो बात तो मिश्रा जी कह रहे हैं कि पहले भी उठती थी ना, गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी ने भी दिया, क्या गरीबी हटा दी? नहीं, तो आंकड़े हैं आपके पास, आप जानते हैं कि कितनी उसमें कमी आई थी, और उसी कमी को हमने कितना बढ़ा दिया इस वर्ष में आके। बहाने आप 10 दे सकते हो कि कोरोना आ गया, हर देश पे कौन सी प्राकृतिक आपदा आएगी, विश्व पे कौन सी प्राकृतिक आपदा आएगी, अर्थव्यवस्था का निर्माण उसी के लिए होता है कि अगर ऐसा कुछ हो तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे उसको रिकवर करेगी। भले ही हमको पता नहीं होता है, लेकिन हर देश अपने साथ एक लेके चलता है नियम कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए 2 साल ऐसा हुआ निकला जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई, कुछ भी हुआ, उसके पहले की बात कौन करेगा? फिर सरकार तो केंद्र में आपकी पहले से ही है, तो आप 2 साल की वजह से इससे छुटकारा नहीं पा सकते कह के ना कि बेरोजगारी का जो हुआ कारण कोरोना के कारण हुआ।
कोरोना के कारण होता तो स्थिति आपके 17 के पहले नहीं दिख रही होती कि बेरोजगारी में। फिर अश्वनी शाही आपके पास आ रहा हूं, कुछ आंकड़ों के साथ चर्चा करेंगे आगे, जल्दी से एक एक मिनट बोलिए। जो तर्क आपने दिया वो गले नहीं उतर रहा, अनम्यूट कर लीजिए सर। नहीं उतर रहा है, देखिए धार्मिक और मानवता के नाते अन्न को फ्री करना, अन्न दान करना कोई बुरी चीज नहीं है। आदमी तो दवाई और पढ़ाई, अन्न दान दवाई और पढ़ाई मुफ्त कर दो ना सर। सुन लीजिए ना आप, या तो आप दवाई और पढ़ाई मुफ्त करने में क्या दिक्कत है? अरे कर रहे हैं ना केजरीवाल, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, बिजली फ्री लेंगे, पानी फ्री लेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दवाई मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। आप मैं तर्क का प्रवक्ता हूँ सर, मैं बीजेपी कांग्रेस का नहीं हूँ। बिजली फ्री लेंगे, पानी फ्री लेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दवाई मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। आप मैं लॉजिक का प्रवक्ता हूँ, मैं लॉजिक का, मैं तर्क का प्रवक्ता हूँ सर, मैं बीजेपी कांग्रेस का नहीं हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए, बेशर्मों की तरह बिजली फ्री और पानी फ्री, बस का टिकट फ्री करके निकम्मा नहीं बना रहे हैं, लेकिन किसी भूखे के पेट में निवाला ना चला जाए, ये दर्द है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को कि भाई अन्न फ्री में मत दो। मैं बोल आप गलत शब्दावली का प्रयोग करके, अरे नहीं गलत शब्दावली क्या कर रहे हैं, आपने खुद बोला है, आप रिवाइंड करके, आप क्यों किसी के मुंह में अन्न नहीं जाने देना चाहते हैं मुझे बताइए, कैसी बात कर रहे हैं जी? आप किसी के मुंह में क्यों अन्न नहीं जाने देना चाहते हैं? एक मिनट, फूड सिक्योरिटी बिल की भगवान ने शुभ्रा जी फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस लाई थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई थी मिश्रा जी, आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। लाल पार्टी नहीं लाई थी मिश्रा जी, आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। लागू अन्नदान के लिए क्यों विरोध कर रही है? अगर कांग्रेस लाई थी, मैंने बोला कोई भी सरकार हो, अन्न सबको फ्री में होना चाहिए। मेरी बात जरूरत आदमी को नेता ही रखता है, देने के लिए नहीं बोला है, परिवार को ही रखते हैं, परिवार नेता के कंट्रोल में सब कुछ है। किसने बोला है? भाषा तो उनके कंट्रोल में है, राशन उनके कंट्रोल में है, कंट्रोल की दुकानें उनके कंट्रोल में है। वो समाजवादी का जमाना था, वो समाजवादी का जमाना था। अश्विनी शाही बता रहे हैं, अश्विनी शाही बता रहे हैं, अश्विनी शाही बता रहे हैं, समाजवादी का जमाना था। खाना कैसे जा रहा है? समाजवादी खड़े रहते थे, राशन कैसे जा रहा है? चीनी अनाज अमीर लोगों के पास, राशन कैसे जा रहा है? सिप्पी जी मुझे भी आना पड़ेगा, मैंने उसी राशन की बात मैं कर दूं। मिश्रा जी आज मिश्रा जी जो कह रहा है, मैं एक लाइन बोलूंगा, तिलक जी एक लाइन बोलूंगा बस, इसके बाद आपके सवाल। चीज से चिड़ा है कि ये चाहते हैं लोगों का पेट भूखा रहे, ऐसे प्रवक्ता कांग्रेस सपा के मैंने देखे नहीं। अरे एक लाइन बोलूंगा बस, इसके बाद आपके सवाल। चीज से चिड़ा है कि ये चाहते हैं लोगों का पेट भूखा रहे, ऐसे प्रवक्ता कांग्रेस सपा के मैंने देखे नहीं। अखिलेश जी एक उदाहरण दे रहा हूँ, मिश्रा जी एक उदाहरण ले लीजिए, एक उदाहरण ले लीजिए मिश्रा जी सपा की सरकार की 2012 से 17 तक, 2012 से 17 गरीब क्यों है? गरीब क्यों है? यही सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी, लोग गरीब क्यों है? लोग गरीब क्यों है? नहीं है पेट में अन्न नहीं होगा तो वो काम क्या करेगा? कोई गरीब नहीं होता अगर आप उसको राजदान देंगे। रोजगार क्यों नहीं दे रही है सरकार? रोजगार क्यों नहीं दे रही सरकार? लोगों की गरीबी क्यों? गरीब रखना सरकार लोगों को पाले पेट भरने की, ये बताइए पेट भरने के लिए हाथ भी है, काम भी दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? पहले काम दीजिए, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। पेट भरने की जिम्मेदारी नहीं है। ओके अखिलेश मिश्रा, काम देंगी अखिलेश मिश्रा, गवर्नमेंट लगा दे और आपको नौकरी दे दे, नहीं मिलेगा नौकरी चाहिए सबका। अरे नौकरी से, नौकरी से पेट भरेगा? आपके लिए ये कह रहे हैं कि ये अखिलेश आप बोल रहे हैं कंफ्यूजन हो रही है, ये बीजेपी वाले अखिलेश हैं क्या? हमें लगा सपा वाले।
नहीं पाएंगे वाकई में। एक मिनट, अश्वनी शाही जी है आप, क्यों मुझे नहीं नहीं मालूम है, आप हमें जिस आप हमें जिस रूप में देखेंगे हम उसी रूप में आपको प्रेजेंट करेंगे सर। जैसी जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। ओके सर मैं समझ गया, मैं जानता हूँ वो दोष सृष्टि का है, सृष्टि का नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ अश्वनी शाही जी के साथ मैंने सैकड़ों डिबेट किए हैं, मैं जानता हूँ जी। मुझे नहीं सुनिए, एक मिनट आप मुझे बोल दीजिए कि आदमी को अनाज की जरूरत नहीं है, बोल दीजिए अपने चैनल से। आप ही तो कह रहे हैं, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ कि मुझे नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि आदमी को मैं कह रहा हूँ तो मुफ्त में देने की जरूरत नहीं। मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले अनाज इंश्योर किया जाए, सरकार किसी की भी हो सर, अगर रोजगार देंगे तो आपको मुफ्त में अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बोल रहा हूँ सर, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर अनाज देंगे तो आदमी के अंदर शक्ति रहेगी, वो रोजगार ढूंढ लेगा। पेट में ताकत नहीं रहेगी, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तो रोजगार कहाँ से ढूंढेगा, कोई भी काम कर लेगा। मतलब अब तीसरा भारत आ गया, बहुत कम लोगों के आगे तीसरा भारत आ गया, वो बंटवारा आप करते हैं समाजवादी पार्टी वाले करते हैं। तीसरा भारत आ गया, बीमार है ना भारत, तीसरा भारत आ गया बीमार है ना भारत, दो का चार चार का आठ करते हैं कांग्रेस, तीसरा भारत आ गया कांग्रेस और सपा है। एक मिनट, एक अब सुनिए, भारत का रहने वाला हूँ, अब भारत की बात बताता हूँ। अब कृपया करके अखिलेश मिश्रा जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मैं बहुत कम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके आगे जोड़ रहा हूँ, प्लीज आप सुन लीजिए। अश्विनी शाही जी, सपा की सरकार थी, मैं बोलना चाह रहा था, मिश्रा जी को थोड़ा बताना चाह रहा था, सपा की सरकार थी वहां पर, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया था, वहां से अनाज जाता था कहां, बेचा जाता था यही राशन की दुकान, और आज 10 किलो अनाज एक यूनिट पर मिल रहा है, ये है सृष्टि जी थोड़ा फर्क। बिल्कुल समाजवादी सरकार थी तो कोटे के दुकान पे समाजवादी लाल टोपी लगा के लाठी लेके खड़ा रहता था। ओके एक सेकंड मिश्रा जी प्लीज, एक थोड़ा फर्क है ना, बिल्कुल समाजवादी सरकार थी तो कोटे के दुकान पे समाजवादी लाल टोपी लगा के लाठी लेके खड़ा रहता था। ओके एक सेकंड मिश्रा जी प्लीज, एक ये मेरे सामने की बात है सर, अश्विनी शाही जी प्लीज उस वक्त नहीं था, उस वक्त वो सेल्फी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। एक सेकंड मैडम शिल्पी मैडम प्लीज, एक सेकंड